आज हम लोग बनाएंगे चाइनीज कम इंडियन डिश सोयाबीन चिली। हेलो माय डियर फूड लवर्स, स्वागत है मेरे चैनल मील विद माधव पे। मैंने 100 ग्राम सोया चंक्स लिया है और ये प्याज है जिसे मैंने 4 भाग में कट के सारे पेटल्स को अलग कर लिया है और कैप्सिकम को भी मैंने रफली कट कर लिया है। 4 ग्रीन चिली मैंने कट कर लिया है रफली और ये कुछ कैरेट है जिन्हें मैंने क्यूब्स में कट किया है। सोया चिली बनाने के लिए जो मैंने सॉस लिया उसमें सेजवान सॉस मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। वेनेगर मैंने लिया है 1/4 टेबल स्पून। ये टमाटो केचप है ये 1 टेबल स्पून है और ये सोया सॉस है ये भी मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है। ये चिली सॉस है जो मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। जिंजर और गार्लिक को मैंने अच्छे से साफ करके रफली कट कर लिया और ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और नमक स्वाद अनुसार मैंने लिया है। तो सबसे पहले जो सोयाबीन की बड़ी है उसे हम एक कढ़ाई पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और उसमें डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि सोयाबीन हल्का डूब जाए और इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसे पानी गर्म होने के बाद 10 मिनट उसमें ही छोड़ देंगे। तो देखिए सारे सोयाबीन अच्छे से फूल गए हैं। तो इसे हम एक स्ट्रेनर के हेल्प से एक बॉल के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ठंडे पानी से धोकर और इसे ठंडा कर लिया है। तो बस आप एक बाउल लेंगे और ये जो सोयाबीन के बड़ी जो फूल गए हैं इसे अच्छे से निचोड़ कर स्क्वीज कर इसमें जितने भी पानी है उसे बाहर निकाल कर और बस इसे रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से रेडी किया है, इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है। तो चलिए इसे हम हटा देते हैं। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें ये जो भी बॉयल किए हुए सोयाबीन है उसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा और उसके बाद उसमें मिलाऊंगा 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैंने बाद में यूज करने के लिए रखा है। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक दिया, मैंने ज्यादा नमक नहीं दिया है अभी क्योंकि हमें सॉस बनाने वक्त भी नमक का जरूरत पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैंने टर्मरिक पाउडर दिया है और रेड चिली पाउडर, ये तीखा वाला चिली पाउडर है तो मैंने इसे 1/2 टीस्पून लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर के पाउडर लिए हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी पानी या कर्ड वगैरह का यूज नहीं करना है क्योंकि जो हमारा सोयाबीन है ऑलरेडी बॉयल है, इसमें थोड़े थोड़े पानी अभी हैं। तो ये जो कॉर्नफ्लावर है इसे अच्छे से आप मसल कर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए अच्छे से कोट हो गया है। तो हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें हम देंगे तेल। तेल की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा दें क्योंकि हमें यहाँ पे सोयाबीन को डीप फ्राई करना है। तो बस देखिए इस तरह जो भी सोयाबीन मैंने कोट किया है अरारोट के साथ यानी कि कॉर्नफ्लावर के साथ उसे मैं कर लूँगा डीप फ्राई। तो बस इस तरह से आपको तेज आँच पर डीप फ्राई करना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट तो करें, मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह आपको करना है जो सोया चंक्स हैं उसे अच्छे से डीप फ्राई। फ्राई करने के बाद इसे मैं निकाल लूंगा बाहर। तो मैं बाहर इसे निकाल लेता हूं और हम फिर सेकेंड बैच जो बचा है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन चिल्ली तो हमारा बन ही रहा है लेकिन आपको मालूम भी है क्या, हमारा एक रेसिपी बनकर रेडी भी हो चुका है। मालूम है क्या? तो चलिए पहले उसकी हम करेंगे प्लेटिंग और उसके बाद आपको बताएंगे। तो मैंने लिया है एक बाउल और ये देखिए हमारा क्रंची क्रंची सोया क्रंची, इसे हम क्रंची सोयाबीन कह सकते हैं। ये आप स्नैक्स में टी के साथ या कभी भी आपको मन करे कुछ खाने का हल्का फुल्का तो आप इसे खा सकते हैं। तो मैंने लिया है इसे सेजवान सॉस के साथ। इसकी आवाज़ सुनिए कितना है क्रंची। तो चलिए मैं आपको एक खा के भी दिखाता हूँ, आप इसकी आवाज ध्यान से सुनिएगा।
है ना सोया क्रंची एक मजेदार रेसिपी, तो चलिए अब बनाते हैं सोयाबीन चिल्ली। तो सोया चिल्ली बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, तो इसे गर्म कर लेंगे और उसके बाद जो हमारे जिंजर और गार्लिक थे उसको हम इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे, और जब ये हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली। जब जिंजर गार्लिक और चिली हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें गाजर और ऑनियन कैप्सिकम को भी मिलाकर हम इसे थोड़ा स्टर फ्राई करेंगे। हम इन सब्जियों को तेज आंच पर इसे फ्राई करेंगे, तभी ये स्टर फ्राई होगा। आपको सिजलिंग की आवाज आनी चाहिए, तो बस ये हल्का स्टर फ्राई होने लग जाए तो इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। उसके बाद जो भी सॉसेस थे, जैसे सोया सॉस, टमाटो केचप, चिली सॉस और सेजवान सॉस, सारे सॉस हम इसमें मिलाकर और वेनेगर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में जो अरारोट बचा था ना 1 टेबल स्पून, तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से घोलकर इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो देखिए, एक बार में आपको नहीं डालना वरना ये लम्स बन जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा डालें और इसे जल्दी से मिला लें। तो बस सोया क्रंची जो था हमारा वो इसमें हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो देखिए, हमारा सोयाबीन चिली बनकर रेडी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला भी बने और ये क्रंची भी रहे। तो डालकर और लास्ट में धनिया पत्ता के साथ इसे गार्निश कर लेंगे। तो देखिए, हमारा सोयाबीन चिली बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दोनों रेसिपी, सोया क्रंची और सोया चिली? है ना ये चाइनीज कम इंडियन डिश। बनाने में ये जितना ही आसान है, खाने में उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट। तो इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे और लास्ट में धनिया पत्ता के साथ और स्प्रिंग ऑनियंस के साथ और थोड़ा सा गाजर, यानी कि गाजर के लच्छे मैंने काट के रखे थे, तो उसके साथ मैं इसे करूंगा सर्व। तो मैंने एक अच्छे से बॉल में इसे सर्व किया है। तो देखिए कितना टेस्टी है हमारा सोया चिली। तो आप भी बनाए खाएं, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।